कि जितने भी फूल बैठे हैं, इन्होंने ना सिर्फ अपनी खुशबू से लोगों को मुअत्तर किया, बल्कि अपनी मीनी मीनी खुशबू से दूसरों को जिंदगी का एहसास भी दिलाया। ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि इन बड़े लोगों के सामने खड़े होके मुझे जो दख्शाई का मौका मिला है, ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। और जिस हस्ती के लिए मैं बात करने जा रहा हूं, वो मेरे लिए और एहसास की बात है कि मेरे जैसे नौबालग और इल्म अदब में नाबालग बंदे को इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में बात करने का मौका मिला। तो मैं ये महसूस करता हूं कि आप लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं भी अब अपने आप को इल्म अदब की दुनिया में कम से कम बालग समझना शुरू कर दूंगा। उस्ताद रफीक साहब किसी तारीफ के मुताबिक नहीं, इतनी बड़ी हस्ती है। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम जाफर साहब ने बड़ी तफसील के साथ उनके बारे में बताया, उसके बाद वो बात बाकी रह नहीं जाती। मैं सिर्फ एक जुमले में बस बात करना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं कि जी बादशाह, बादशाह वो होता है जो वक्त का हाकम होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। बादशाह वो होता है जो इंसान के दिलों पर राज करता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी और जिंदगी के जाने के बाद भी लोगों के दिलों पे उस वक्त भी राज किया और आज भी राज कर रहे हैं। तो ये असल बादशाह है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बादशाहों के लिए आप क्लैपिंग करें कि ये जाने के बाद भी अपनी खुशबू इस अंदाज में छोड़ के गए हैं कि आज भी हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूसरी बात कि मौसीकी की दुनिया कहते हैं कि मौसीकी रूह की गजा है। और ये बड़े लोग जो थे, इन्होंने हमेशा जाबी को अपना कलाम जाफरी साहब जैसे लोगों ने लिखा और इन्होंने अपनी धुनों में ढाला और हमारे लिए वो फर्द का समा पेश किया। उसके पीछे जो हमारी दिलों में।
जब नाले हसाज हसा सही ते गल में